तो गाइस आप सोचोगे मैं इतना लेट शाम को क्यों निकला, तो वजह है ये रोड है। तो इस हाईवे पे ना आपको लेफ्ट से बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां रॉन्ग साइड से आती है। क्या ही रोड है और क्या ही ट्रैफिक है, मतलब है ही नहीं। A few moments later. Hey guys, welcome to the channel. उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया रहेंगे। तो guys, ready हूँ, बस जैकेट पहनना है, शूज़ पहनने हैं और हम निकल रहे हैं एक लंबी राइड पे। टाइटल से आपको पता चल गया रहेगा हम एग्जैक्टली जहाँ कहाँ रहे हैं। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइस, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो अम्बे माते की जय, हर हर महादेव। बजप्पा मोरिया, भगवान अच्छी तरह से लेके जाओ, अच्छी तरह से लेके आओ। चलो सो गाइस, आप सोचोगे मैं इतना लेट शाम को क्यों निकला, तो वजह है ये रोड, ये वाला सेक्शन है ना इस रोड का, ये है। मैं आपको फुर्सत में बताऊंगा बाद में कि इसका, इस रोड का प्रॉब्लम क्या है। तो चलो पहले, ये रोड बहुत खराब है यार, इतना ये सेक्शन इसको क्रॉस करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं फाउंटेन होटल और आप देख सकते हो ये है वो रनिंग, जहाँ से जो नया ब्रिज जो बना है फाउंटेन होटल से गोलबंदर ब्रिज पे चढ़ने के लिए, हम वहीं पे हैं और हार्डली हमें कुछ टाइम लगा। तो ये वजह थी कि हमने शाम को निकलने की ज़रूरत समझी, क्योंकि अगर कल सुबह हम लोग निकलते थे तो यहाँ पे होती थी भयंकर ट्रैफिक, बेहिसाब ट्रैफिक। मतलब यहाँ पे आने के लिए ही हमें करीबन 1.5 घंटे लगते थे। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं हम कितने टाइम लगा हमको यहाँ पे पहुँचने के लिए, बट मैं आपको बताऊँगा। तो दिस इज दी गोरंदर ब्रिज और आप देख सकते हो देयर इज अ हरी क्रीक और देखिए ये सीगल्स, बहुत खूबसूरत लग रहे। तो गाइस, अभी हमने नाला सोपारा क्रॉस किया और आपको मैं बोलूं तो इस हाईवे पे ना आपको लेफ्ट से बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां रॉन्ग साइड से आती है। तो आप ऐसे हो सकता है कि कहीं मनोवर करते करते उससे घुस जाए। तो आपको इस हाईवे पे बिल्कुल लेफ्ट से नहीं चलाना है, आपको राइट से ही चलाना है, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड, बट इट इज बेटर दैट वी आर ऑलवेज ऑन द राइट। ये सब लेफ्ट से आते रहते हैं यहाँ पे। कुछ सिस्टम ही नहीं है ये, मतलब आप थाने से आगे जाओगे तो ऐसे ही कुछ सिस्टम है इनका। चलो कोई नहीं यार, हम तो निकले एक अच्छी जर्नी पे, हमको मूड खराब नहीं करना चाहिए हमारा। तो काफी सारे वीडियोस में आपने इस टोल नाके को देखा रहेगा। सो दिस इज चारोटी टोल नाका, बहुत जल्दी पहुंचे यार हम यहाँ पे, मतलब ट्रैफिक नहीं है इस वजह से, वरना यहाँ पे आने के लिए हालत खराब होती है। ओहो, फुल चेकिंग चल रही है, देखिए कितने हवलदार हैं यहाँ पे। सो दिस इज आवर फर्स्ट टोल नाका फॉर द। तो चलो मिलता हूँ आपको मैं थोड़ी देर के बाद। मौसम बहुत खूबसूरत है यार। I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is
it, now we're done. You get dressed, I'm like a mess. And you tell me to confess. And you tell me to confess. Oh. I don't know what to say. पता नहीं ये डायवर्जन क्यों दिया है और ये ओके ब्रिज का काम चल रहा है. गाइस मैं बताऊं आपको बहुत मजा आया. मतलब क्या ही रोड है और क्या ही ट्रैफिक है. मतलब है ही नहीं. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी ट्रैफिक नहीं रहेगी. मतलब मुझे लग रहा था कि ट्रैफिक कम रहेगी बट दिस इज लाइक व्हाट. इस रोड पे मैंने इतनी कम ट्रैफिक आज तक नहीं देखी. चलो कोई नहीं यार, मजा आ गया एकदम. So guys, आपने मेरा उदयपुर वाला वीडियो अगर देखा रहेगा तो यही में हम रुके थे और यही में मैंने रेनकोट उतारा था. मतलब बारिश हो रही थी इसके लिए यही में मैंने रेनकोट निकाला. ओके, यहाँ पे शायद से कुछ काम चल रहा है जिसके वजह से ट्रैफिक थोड़ी धीरे हो गई बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ओ, ये रोड को काट के उस तरफ से भी गाड़ियां जाने के लिए रास्ता बनाया है. हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा आने के टाइम पे, ये कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि आने के टाइम पे ट्रैफिक जरूर रहेगी. बोला थोड़ा ब्रेक लेते हैं यार. 82 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं एक सिंगल इसमें स्ट्रेच में बिना ब्रेक के. तो थोड़ा सा यहाँ पे बायो ब्रेक लेते हैं फिर निकलते हैं. सो गाइस हमने अभी 5 मिनट का बायो ब्रेक लिया और थोड़ा पानी भी पी लिया. अभी चलते हैं आगे. जब तक उजाला है मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में. बाद में फिर थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम लगता है अंधेरे में. तो अगर हमको अंधेरे में गाड़ी चलानी नहीं है तो अंधेरा अंधेरा होने के लिए हम क्यों राह देखें. उसके पहले ही हम हमारे लोकेशन पे पहुंचेंगे. तो हमारा लोकेशन आज का है वापी. आप सोचोगे वापी क्यों, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. वापी में है सरप्राइज. क्या सरप्राइज है बताता हूँ थोड़ी देर में. अरे यार इतने सारे गड्ढे, ये भयंकर है यार यहाँ पे. मैंने गूगल मैप चेक किया था तो ये मनोहर के तरफ कहीं पे ट्रैफिक दिखा रहा था. अभी मुझे पता चला ये ट्रैफिक क्या है, ये इसी वजह से है. वही हमने जब से पिछला ब्रेक लिया, मतलब एक ही ब्रेक लिया, उसके बाद से ये ऐसे ही सिलसिला है. सिंगल लेन रोड है और लेफ्ट से भी ओवरटेक करने के चांसेस है ना बीच बीच में मिल रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो कितने सारे खड्डे वहाँ पे. तो अननेसेसरी चांस नहीं लेते, इसके लिए भी हम इसके पीछे आराम से जा रहे हैं. और ये पीछे वाला हॉर्न क्यों बजा रहा पता नहीं यार, ये हालत खराब है. ऐसे चलेंगे तो कैसे चलेगा यार. यार सम 80 और किलोमीटर्स जाना है हमें, वो 2-2 घंटे लगेंगे ऐसे. भी उस तरफ से भी कुछ लोग जा रहा राइट साइड से, लेकिन दैट वुड बी नॉट दी राइट थिंग टू डू. दिन का दूसरा टोल नाका, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि और एक टोल नाका लगेगा क्योंकि मैंने बोला था कि चारोटी उसके बाद सीधा हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे. तो पिछले कुछ 4-5 किलोमीटर के बाद रोड फिर से सही हो चुका है. मतलब जो सिंगल लेन से हम चल रहे थे उसके बाद ही अभी पूरा हाईवे चौड़ा हाईवे आ चुका है. तो चलो अभी यार बस हो गया, अभी सिंगल लेन हमें नहीं चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा. सो गाइस मेरे से गलती हो गई. ये जो अभी टोल नाका गया ना वो चारोटी था, वर्ल्ड फेमस चारोटी.
और जो पिछले वाला था वो दूसरा था, वो देखना पड़ेगा मुझे, शायद से वो काने उड़े हाँ हाँ काने उड़े है। तो पहला टोल नाका जो था वो काने उड़े है, और अभी का है वो था चारोटी, द वर्ल्ड फेमस चारोटी टोल नाका। मौसम अच्छा हो चुका है, बस यार ये रोड खराब है, काट के रखा हुआ है, तो इस पे थोड़ा गाड़ी वॉबल होता है, और हमारे बटन वाले टायर है ना तो थोड़ा ज्यादा होता है। नहीं यार बटन वाले पे तो कम होना चाहिए, अगर हमारे हैवी टायर होते तो ज्यादा होता। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलो कोई नहीं यार, यहाँ पे वापस चालू हो गया, ये सिंगल रोड मतलब जिसका हमें डर था वो फिर से हो गया है। तो देखते हैं हम लोग लेफ्ट के लेन से जा सकते हैं क्या, वहां से घुस जाएंगे तो थोड़ा स्पीड मिल जाएगा। चलो हम लोग लेफ्ट के लेन में आ चुके हैं और सारी गाड़ियां लेफ्ट के लेन में आ गई है। गाइस हम पहुंच चुके हैं गुजरात बॉर्डर, अभी हम महाराष्ट्र की तरफ है, वी आर एंटरिंग गुजरात। तो थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है आप देख सकते हो, मतलब इतना भी नहीं है, और कुछ 40 किलोमीटर है यहाँ से वापी जहाँ पे हम रुकने वाले, करीबन 40-45 मिनट्स लगने चाहिए, उससे भी कम शायद से, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अल्टीमेटली हम पहुँच चुके हैं वापी, और सबसे पहला काम करना है पेट्रोल भरना है, क्योंकि हमने इतना ही भरा था कि हम गुजरात पहुँचे, क्योंकि गुजरात में सबसे सस्ता पेट्रोल है। तो पहले अभी पेट्रोल भरते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। सो गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पे पेट्रोल भरने के लिए, और दिस इज़ लिक्विड मौली, तो मैं ये डालता हूँ हमेशा जब लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो हमेशा ये डालता हूँ, ताकि है ना ये फ्यूल सिस्टम क्लीनर भी है और ये बूस्टर भी है, तो ये इंजेक्टर्स वगैरह सब क्लीन होते हैं, क्योंकि फुल टैंक होता है और एक ही झटके में उसी टाइम पर ख़त्म भी होता है फुल टैंक। तो मैंने पिछले बार जब ये उदयपुर गया था तभी मैंने डाला था, उसके बाद मैं आज डाल रहा हूँ। तो चलो अभी ये डालते हैं, पहले टैंक में फुल करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। हमने यहाँ पे पेट्रोल भराया, इट इज़ फॉर 97.37, तो अभी फुल टैंक किया है, 1000 रुपये का पेट्रोल गया है। तो अभी चलते हैं हमारे लोकेशन पे, ज़्यादा दूर नहीं है ये, तो मैं सुबह भी कर सकता था लेकिन मैंने सोचा यार सुबह करने से अच्छा है अभी फुल कर देता हूँ, जब सुबह टेंशन नहीं रहेगा सीधा निकलेंगे, बेधड़क निकलेंगे कल सुबह ढोकला खा के। अभी भी भूख लगी यार, अभी पहुँचते हैं पहले लोकेशन पे अपने और कुछ खाते हैं। इट्स शोइंग 16 मिनट्स, चलो देखो हमको जाना है हाईवे पे, बस यहीं पे कट है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर रहता तो मैं नहीं जाता था। 2000 years later. So guys, वापी पूरा अंदर घूम घूम के गूगल ने, तो दिस इज अपनर फ्रेंड रॉकी उर्फ राकेश पूरनकर, मोर देन थ्री कोविड के पहले। तो चलो गाइस पहले ये सब निकालते हैं सामान, बाद में मिलते हैं। The next day. Hey guys, good morning. सुबह के 8 बज चुके हैं और कल मैंने मतलब आया मैं वापी पहुंचा तो कुछ ऐसे दिखाने लायक था नहीं, मतलब रूम में चेक इन किया हमने, खाना खाया और सो गए। तो अभी सुबह 8 बजे और वी आर वेटिंग, और भी लोग आने वाले हैं हमारे साथ, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देम। और पीछे काशी खड़ी है जिसको व्यू करता हूँ, और सबसे पहले तो हमने ढूंढना है चाय, चाय पीते हैं बाद में कुछ मज़ा आ जाएगा। गाइस दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये पीछे जो दिख रहा है दैट इज़ NH 48, अपना हाईवे जहाँ से हम नॉर्थ जाते हैं, एंड दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू इट, चाय पी रहे बाकी से अपना लगा पड़ा है फ़ोन पे, पता नहीं किसी किसको मैसेज भेजा है, चाय बाकी एक नंबर है एकदम मस्त। मैं थोड़ी देर में आपको रूम टूर दिखता हूँ, अभी वहाँ पे तो सब
सारा पड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मतलब होटल इज़ गुड, मतलब दो द रूम इज़ नॉट दैट, मतलब अंदर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि दुनिया भर का लाइटिंग्स नहीं है, बट द रूम इज़ क्लीन, द वॉशरूम्स आर क्लीन एंड मस्त ही स्मेल्स है, या तो विद इन द बजट है। A few moments later. So guys, अभी हम आ चुके हैं टेरेस पे होटल के, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से नज़ारा। सो दिस इज NH 48, इस तरफ ये बॉम्बे जाता है, मुंबई की तरफ जाएगा और ये जाएगा नॉर्थ, तो हमको उस तरफ जाना है, तो यहाँ से यू टर्न मार के फटाक करके हम हाईवे पे चढ़ सकते हैं। और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो, ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, सबसे पहले बाइक देख के आ जाइए। एंड आई वाज जस्ट सेइंग विनोद भाई कि आई एम राइडिंग द मोस्ट रिलायबल मशीन इन द एंटायर लॉट। आना बंद कर वरना कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे ना छाव नाम की कोई भी चीज है नहीं, कहीं पे भी छाव नहीं है। जैसे ही गुरु हम गलती से एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए, यहाँ पे एक छोटा सा कट मिला।